हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी, और इंग्लिश पेडागॉजी का आज लास्ट क्लास है, यानी आज डे 13 है। मैंने आपसे बताया था कि 12 से 13 क्लासेस में इंग्लिश पेडागॉजी का जो कंटेंट सीटेट ने प्रोवाइड किया है, जो सिलेबस सीटेट ने प्रोवाइड किया है, वो खत्म हो जाएगा। तो आज लास्ट क्लास है। आज के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी इंग्लिश पेडागॉजी में 15 आउट ऑफ 15 आ जाए। ठीक है, तो आज जो लास्ट टॉपिक मैंने लिया है वो है मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का कौन कौन से मेथड को यूज करके हम इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग को कर सकते हैं, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, या मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट मेथड को देखेंगे कि किस तरह से हम क्लासरूम में मेथड का यूज करके बच्चों को अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। 6 से 7 या 8 मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगी, और वो सारे मेथड से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो तैयार किया है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, उससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग में हमें कौन कौन से मेथड को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईएमपी लगा लो इसको। ये बार बार पूछा जाता है मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, शॉर्ट में हम बोलेंगे GTM। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTM। GTM इमेंस होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये मेथड जो है इसको यूज किया जाता था लेट 90s या 18th सेंचुरी में, मतलब बहुत पहले इस मेथड का यूज किया जाता था क्लासरूम में किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग के लिए, यानी लैंग्वेज यानी भाषा का, भाषा को पढ़ाने के लिए, है ना, भाषा लैंग्वेज टीचिंग के लिए, भाषा शिक्षण के लिए ये सबसे पुराना मेथड माना जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज टीचिंग किसको बोलेंगे? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलेंगे, है ना। इसको ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल। किसको बोलेंगे? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, यानी GTM को, है ना। ओल्डेस्ट मेथड है, इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, है ना। और ये 18th और 19th सेंचुरी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था क्लासरूम में, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन पे फोकस रहता है, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन पे फोकस रहता है। और इस मेथड के थ्रू जो मदर टंग है ना, बच्चे की मदर टंग है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम द स्टूडेंट टू मदर टंग इनटू टारगेट लैंग्वेज, है ना। यानी ट्रांसलेशन करेंगे मदर टंग से किसमें, टारगेट लैंग्वेज में। मदर टंग यानी बच्चे की जो मातृभाषा है उस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, और फिर उसको ट्रांसलेट करके उसके टारगेट लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, टारगेट लैंग्वेज जो आपको सिखाना है, है ना। मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, जो आपको घर के एनवायरनमेंट से मिला है, और टारगेट कौन होता है, कौन सा लैंग्वेज होता है जिसको आपको सीखना है, है ना। तो एक एग्जाम्पल से हम आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि बच्चे का मदर टंग क्या है, हिंदी है, और टारगेट जो जिस लैंग्वेज को आपको सिखाना है वो होता है टारगेट लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश में कोई चीज बात बताया तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझाएंगे, या हिंदी में कोई चीज बात बताई हमने तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझाएंगे। तो मेनली इस मेथड में क्या फोकस रहता है, ट्रांसलेशन पे, है ना। तो ट्रांसलेशन मेथड पर ये फोकस करता है ये मेथड, ठीक है। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स मदर टंग इनटू टारगेट। अब मदर टंग कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है वो किस स्टेट का है, वो किस एरिया का है, और टारगेट लैंग्वेज भी कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ सपोज हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा चलता है, तो उसका एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फोकस ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो मेथड होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें फोकस किया जाता है रीडिंग पर और राइटिंग पर, नॉट ऑन स्पीकिंग। तो यानी यहाँ पर पढ़ने और लिखने पर फोकस किया जाता है, बोलने पर इस मेथड का फोकस नहीं होता है। यानी फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट ऑन स्पीकिंग। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि किस मेथड पर फोकस रहता है रीडिंग एंड राइटिंग पर, तो वो कौन सा मेथड होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें स्पीकिंग पर
बल नहीं दिया जाता है, बोलने पर बल नहीं दिया जाता है, तो वो कौन सा होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो समझ में आया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। नाउ सेकेंड मेथड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। और ये जो है मोस्ट पॉपुलर इन ग्लोबली, यानी वर्ल्ड वाइड, सारे पूरे वर्ल्ड में इस मेथड को यूज किया जाता है, और ये रिसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज किया जाने वाला मेथड है। कौन? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, है ना। इसमें क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन को प्रेजेंट करके, है ना, रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू बच्चों की लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, यूज रियल लाइफ सिचुएशन, है ना। यहाँ पर इंटरैक्टिव क्लासरूम होता है। इंटरैक्टिव क्लासरूम का क्या मतलब है कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं ना, सबका, टीचर का बच्चों से, बच्चों का टीचर से, यानी और पीयर ग्रुप का, सबका एक दूसरे से इंटरैक्शन होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, कोऑपरेशन के थ्रू, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेजेंट में अगर क्लासरूम को इफेक्टिव तरीके से किसी भी लैंग्वेज को सिखाना है तो किस लैंग्वेज का यूज करेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड का यूज करेंगे। रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होता है, रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जाम्पल देके इस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, कन्वर्सेशन कराया जाता है एक रियल लाइफ सिचुएशन में, है ना, बच्चों का आपस में, है ना। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू इसमें बच्चे सीखते हैं, इंटरैक्टिव क्लासरूम प्रेजेंट करता है ये मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। यानी डायरेक्ट मेथड क्यों बना, क्योंकि इसके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के वैल्यू को कम करने के लिए डायरेक्ट मेथड का किया गया, डिस्कवर किया गया, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या था कि मदर टंग का ज्यादा यूज हो रहा था टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में, किसमें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या था, यहाँ पर केवल टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही है तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा, दूसरे किसी लैंग्वेज का यूज उस क्लास में नहीं किया जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड, यानी हमको डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को विदाउट किसी दूसरे लैंग्वेज के हेल्प से टारगेट लैंग्वेज को क्या कराना, सिखाना है बच्चों को, है ना। तो इस मेथड में, जैसे इसमें अगर इंग्लिश हमें सिखाना है, इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाना है, तो हिंदी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है इस मेथड में। यूज ओनली टारगेट लैंग्वेज, इसमें सिर्फ टारगेट, यानी क्लासरूम का एनवायरमेंट रहेगा उसमें सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का ही यूज किया जाएगा, है ना, और टारगेट लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। थिंक एंड स्पीक इन टारगेट लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है कि आपको सोचना भी है टारगेट लैंग्वेज, यानी अगर आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है तो आपको सबसे पहले इंग्लिश में सोचिएगा, तभी आप इंग्लिश में बोल पाइएगा। ये मेथड क्या करता है, बताता है हमें कि सोचना भी है इंग्लिश में और बोलना भी है इंग्लिश में, है ना। क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्या होता था कि आप हिंदी में सोच रहे हैं, उसको मन में ट्रांसलेट कर रहे हैं कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का का क्या होगा, दिस इज अ बॉय, इस तरह से पढ़ाया जाता था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन आपको सोचना भी इंग्लिश में है और बोलना भी इंग्लिश में, यानी टारगेट लैंग्वेज में ही सोचना है, टारगेट लैंग्वेज में ही बोलना है। तो ये मेथड हमें बताता है, लर्नर नॉट यूज देयर नेटिव लैंग्वेज इन अ क्लास। लर्नर जो रहेगा, जो बच्चा रहेगा क्लासरूम में, वो अपने नेटिव लैंग्वेज को, अपने मदर टंग लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी मदर टंग प्रोहिबिटेड है, मदर टंग पे रोक है इस मेथड के थ्रू, है ना। चौथा मेथड है टोटल फिजिकल रिस्पांस। टोटल फिजिकल रिस्पांस में कि नाम ही से आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, यानी बच्चे फिजिकल एक्टिविटी शो करेंगे, है ना, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाएगा, है ना। तो ये जनरली छोटे क्लासेस में होता है टोटल फिजिकल रिस्पांस, है ना। स्टूडेंट हैव टू डू एक्जेक्टली व्हाट द टीचर टेल देम, बच्चे वही करेंगे जो कि टीचर उनसे बोलेगा, टीचर के बोलने के अकॉर्डिंग, टीचर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चे उस तरह का रिस्पॉन्स देंगे। कैसा रिस्पॉन्स देंगे, फिजिकल रिस्पॉन्स देंगे, है ना, है ना, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रिस्पॉन्स देंगे। तो वो कौन कौन सा मेथड होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना।
अब इसमें क्या होता है, देखो बच्चों को क्या बोला जाता है, सिट डाउन तो बच्चे बैठ जाते हैं, स्टैंड अप तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो क्या हुआ, बच्चे उधर से कुछ बोल नहीं रहे, अपने फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू एक्टिविटी करके है ना, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उस लैंग्वेज का यूज करके लैंग्वेज सीख रहे हैं। मैडम बोलेगी कम है तो बच्चे आ जाएंगे, गो टू योर सीट तो बच्चे अपने बेंच पर चले जाएंगे, स्माइल करो हिंदी में नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे बच्चे, स्माइल प्लीज, टीचर पूछेगी स्माइल प्लीज तो बच्चे स्माइल करेंगे, है ना। तो इस तरह का क्या होता है, मेथड कौन सा है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसमें टीचर के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू टीचर के बातों को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बिहेव करके, है ना, बॉडी लैंग्वेज का यूज करके। यानी स्टूडेंट हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट द टीचर टेल देम, जो टीचर बोलेगी वही बच्चे करेंगे। तो ये चार मेथड अभी हमने पढ़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, डायरेक्ट मेथड और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। आगे हम देखेंगे और भी तीन चार मेथड, है ना। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, है ना, यानी लैंग्वेज टीचिंग में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं और किस मेथड के थ्रू क्लासरूम टीचिंग की जाती है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने में या लैंग्वेज को टीच करने के लिए, है ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड पढ़ा, इन सब मेथड को हमने अभी पढ़ा। अब कुछ और मेथड को हम पढ़ते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी पर्चम बाय नेहा सिंह, ठीक है। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे कंटेंट्स जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या केवीएस और एनवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। तो हम अभी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पेडागोजी की ये जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, यानी क्लास नंबर 13 है, और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, है ना। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा TBLT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्जामिनेशन पे दो तीन बार पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग का से नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ बच्चों को कुछ टास्क दिया जाता है ना, और उसके बेस्ड पर लैंग्वेज की टीचिंग कराई जाती है ना, लैंग्वेज टीचिंग होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो कि लर्नर के इंटरेस्ट पर आधारित होते हैं, है ना, बेस्ड ऑन लर्नर इंटरेस्ट। तो यानी वहां पर एक प्री टास्क दिया जाता है ना, प्री टास्क दिया जाता है, फिर उस टास्क को बच्चा क्या करेगा, खुद करेगा, यानी टास्क इटसेल्फ, और उस टास्क का फिर पोस्ट टास्क भी होता है, यानी आपने टास्क करके दे दिया, वहां पे आपका काम खत्म नहीं हुआ, फिर उसका एनालाइजिंग होगा, एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसका एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फिर से अगर उसमें कमी होगी तो फिर से आपको बोला जाएगा कि फिर से इसको आप सुधार कर लाओ। ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है जो कि लर्नर के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज टीचिंग कराते हो क्लास में, है ना। यहाँ पे रियल लाइफ वर्ल्ड से क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करा के लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है, और ये क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड किसको बोलेंगे, तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग को प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज टीचिंग कहा जाता है ना। तो ये टास्क बेस में यही इतना ही होता है, ज्यादातर इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कोऑपरेटिव से आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोऑपरेशन के हेल्प से, यानी कोऑपरेशन के थ्रू बच्चे एक दूसरे के कोऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे, बच्चों का एक दूसरे से सीखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी, यहाँ पे कोऑपरेटिव एक्टिविटी कराई जाती है, यानी ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जहां पर या तो बच्चों को पेयर में बैठाया जाता है या तो ग्रुप में, यानी स्मॉल ग्रुप में बैठाकर और उनको एक्टिविटी के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है, लैंग्वेज टीचिंग कराई जाती है ना। तो वहां पे बच्चों को ग्रुप में बैठा दिया जाता है और एक टास्क दे दिया जाता है जो कि लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है, और बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से उस टास्क को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, है ना, और उसके थ्रू उनकी लैंग्वेज टीचिंग होती है, यानी कोऑपरेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी CLL,
तो CLL का फुल फॉर्म आएगा तो कोऑपरेटिव लैंग्वेज टीचिंग का बोलोगे, जहाँ पे मैक्सिमम यूज किया जाता है कोऑपरेटिव एक्टिविटी में। और ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच लाइक का मेथड है, यानी ये मेथड किससे रिलेटेड है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच मेथड अगर किसको बोलेंगे तो कोऑपरेटिव लैंग्वेज टीचिंग को बोलेंगे, यानी बाल केंद्रित है ये मेथड, ये विधि है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटरग्रेटेड लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटरग्रेटेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, इंटरग्रेटेड का मतलब क्या है कि आप दो सब्जेक्ट को जोड़कर लैंग्वेज को टीच कर रहे हो, है ना, लैंग्वेज का टीच कर रहे हो। जैसे वन सब्जेक्ट जैसे है बायोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री को आप पढ़ा रहे हो, है ना, थ्रू लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग किसके थ्रू करा रहे हो, बायोलॉजी का यूज कर रहे हो, बायोलॉजी के कोई टॉपिक को लेके आप लैंग्वेज लर्निंग करा रहे हो, आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक लिए हो, यानी दो सब्जेक्ट को मिला के। इंटरग्रेटेड का मतलब ही है क्या, दो सब्जेक्ट को मिलाकर एक लर्निंग को, यानी एक लैंग्वेज टीचिंग आपको करानी है ना। तो यहाँ पे जैसे साइंस हिस्ट्री ले लिए, बायोलॉजी ले लिए, उसका कोई टॉपिक लेके हम इंग्लिश की क्लास को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं ना। इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी, कोई भी लैंग्वेज को सिखाने में आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का यूज करते हो। देखो कोई भी आप मैथ्स पढ़ो, है ना, आप साइंस पढ़ो, आप सोशल साइंस पढ़ो, हर जगह लैंग्वेज का यूज है। तो ये क्या है, यहाँ पर जब आप साइंस पढ़ते हो तब भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, है ना, आप या तो हिंदी मीडियम में हो या तो इंग्लिश मीडियम में हो। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो वहां पर आपका लैंग्वेज यूज होता है, यानी लैंग्वेज हर जगह है ना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप इंग्लिश का क्लास ले रहे हैं तो आपने बच्चों को एसे लिखने के लिए दिया, तो एसे को बच्चे को जो टॉपिक दिया एसे का वो क्या दे दोगे, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दे दिए, है ना, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना, एसी ड्रेन, कुछ भी दे दिया, और उसके ऊपर बच्चों को क्या बोला कि आप एसे लिखो। तो एसे किसका पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है या हिंदी लैंग्वेज का पार्ट है, है ना। लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए आप कौन से टॉपिक डाल रहे हो, साइंस के टॉपिक डाल रहे हो, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग इस मेथड में यूज होता है। आठवां जो सबसे आखिरी मेथड हमें पढ़ना है वो बाइलिंगुअल मेथड पढ़ना है। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, जहां पे दो लैंग्वेज का यूज करके आप टीचिंग कर रहे हो। दो लैंग्वेज का यूज कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि सिर्फ केवल कौन यूज करेगा दो लैंग्वेज का, टीचर करेगा। बच्चे सिर्फ एक ही लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो क्या है, टारगेट लैंग्वेज, है ना। बच्चे अपने मदर टंग का यूज नहीं करेंगे, करेगा कौन, टीचर करेगा। और कब करेगा, जब उसको जरूरत होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी करेगा। ऐसा नहीं कि टीचर हिंदी इंग्लिश में दोनों में बात किए जा रहा है पूरे पीरियड में, 30-40 मिनट का पीरियड है और टीचर हिंदी में भी बोल रहा है, इंग्लिश में भी बोल रहा है, हिंदी में भी बोल रहा है इंग्लिश, ऐसा नहीं। टीचर का भी पूरा फोकस रहेगा कि वो टारगेट लैंग्वेज में टीच करे और बच्चे भी टारगेट लैंग्वेज में ही करेंगे। लेकिन जहां पर बच्चे नहीं समझ रहे हैं वहां पर टीचर क्या करेगा, मदर टंग का यूज करेगा, जो कि बच्चों की मदर टंग होगी, और उसके थ्रू बच्चों को क्या करेगा, किसी भी चीज की लर्निंग कराएगा, बच्चों को समझाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यूज मदर टंग लैंग्वेज बाय द टीचर, मदर टंग का यूज कौन करेगा, टीचर करेगा, ओनली व्हाइल टीचिंग टारगेट लैंग्वेज। जब आप टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाओगे उस समय, जब आपकी जब इफ रिक्वायर है ना, जब रिक्वायरमेंट होगी, जब जरूरत होगी, ऐसे नहीं कि फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं मदर टंग का टारगेट लैंग्वेज को पढ़ा के, नहीं, जब आपको जरूरत होगी, जब आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो केवल और केवल टीचर ही मदर टंग का यूज करेगा, मदर टंग का यूज कोई भी स्टूडेंट, कोई भी चाइल्ड नहीं करेगा, है ना। टीचर कौन करेगा इसमें, तो अगर पूछा जाए तो बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का यूज कौन कर सकता है, तो केवल टीचर कर सकता है। क्या बच्चे कर सकते हैं, नहीं, बच्चे नहीं कर सकते। टीचर कब करेगा, जब एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेगा, मदर टंग का यूज करेगा, जब वो टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाएगा, है ना। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, है ना। और ये जो आठ मेथड मैंने पढ़ाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपकी इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी भी तरह का सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या कोई टॉपिक रह गई है
तो उसको मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक का वीडियो भी लेकर आऊं। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी से छूटे हैं वो प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको समझा दिए जाएंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।